बच्चे अलग तरीकों से हमारे पास आते हैं, जैसे कि पहले एक नर्स रेफरल होता है, तो कोई भी फिजिकल स्क्रीनिंग होती है, अगर उससे लगता है कि कोई किसी भी तरह का फैमिली स्ट्रेस है, कोई भी स्ट्रेस है, तो नर्स रेफर करती है, वो एक तरीका है। डॉक्टर भी साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर कर सकती है, अगर डॉक्टर को लगता है कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम है जो शायद साइकोलॉजिकली रिलेटेड कोई एक इशू है, तो उस रीज़न से फिर साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं। जैसे कि पैंडेमिक के इश्यूज तो हैं डेफिनेटली, जैसे बहुत लोनलीनेस रहा है, सोशल इंट्रैक्शंस इतने नहीं रहे हैं, एंड ये जिस तरह की फैमिली से आते हैं, बहुत एक निग्लेक्ट है, बहुत एंगर है इन बच्चों में, एंग्जाइटी भी है जो पैंडेमिक के थ्रू आई है, तो ये एक और बहुत लोगों का लॉस भी हुआ है पेरेंट्स का, तो उस वजह से इस तरह की काफ़ी इश्यूज आती हैं जो हम यहाँ पे क्लिनिक में एड्रेस करते हैं। तो डिफरेंट रेफरल्स होते हैं और उस मैकेनिज्म के थ्रू फिर हम इनके साथ सेशंस करते हैं। इसका इम्पैक्ट काफ़ी होगा, बिकॉज यहाँ पे हम एक पूरी टीम हैंडल कर रही है, तो उनका फिजिकल हेल्थ, उनका मेंटल हेल्थ, एंड आई थिंक एक कंसिस्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि हम यहाँ एक टीम के साथ काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये क्लिनिक हमेशा अवेलेबल है 8 to 2, जो नॉर्मल स्कूल आवर टाइमिंग्स है। सो आई थिंक इम्पैक्ट होगा इन टर्म्स ऑफ ग्रुप सेशंस, जहाँ हम एक बहुत सेफ स्पेस बनाना चाहते हैं, किसी के माइंड में कोई भी टेंशन है वो एक ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी शेयर कर सकते हैं, और हम टीचर्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। अगर बच्चा बात नहीं कर पा रहा तो हम क्रिएटिव मेथड से करते हैं, जैसे अगर हमें आर्ट वर्क इंट्रोड्यूस करना है, हमारे पास पपेट्स होते हैं, तो हम पपेट्स के थ्रू बात कर पाएंगे, सो दैट बच्चे को थ्रेटन्ड ना फील हो। कुछ लोग कहानियों के साथ भी बेहतर कन्वे कर पाते हैं, तो ये क्रिएटिव मेथड्स लेके हम उनके साथ एंगेज करते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि एक सेशन में सब कुछ आ जाए, तो समय के साथ उनके साथ वो एक ट्रस्ट और वो बॉन्डिंग एस्टेब्लिश करते हैं, ताकि हम थेरेपी कंटिन्यू कर पाएँ।